लगा कि मतलब बीसीबी इतना सक्सेस होगा इस दो साल में? जैसे हमने देखा कि बहुत सारे इवेंट्स भी हुए यहाँ पर, क्या कहेंगे सर? It's been a hell of a rocking 2 years. We didn't expect this much and this much love from all the audience and everyone who came to BCB, who in fact comes to BCB. They love the setup, they love everything inside it, they love the music, they love the food, they love the drinks, and that's the backbone of a club. So yeah, we are really excited for the second year and we are hoping that BCB will progress like this only for the coming years as well. We would like to thank all our guests. We would like to thank them from the bottom of my heart for giving us this opportunity to serve them. And we will be able to serve them better in the coming years. Thank you. Okay, this is a new year. Any plans to come up with something new or something? Maybe in 2019 we will come up with something new. And we'll keep you posted. Thank you so much. तो जैसे हम अपने फ्रेंड्स का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही हम इस क्लब का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. एंड आई थिंक मेरे जितने भी फ्रेंड्स आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से कोई आता है या कहीं से भी आते हैं, तो मैं सबसे पहले उन्हें बोलती हूँ कि बीसीबी चलते हैं. एंड आई एंजॉय द म्यूज़िक, आई लव दिस प्लेस. सो अगर इसकी बर्थडे सेलिब्रेशन है तो आना ही था. आई थिंक इट्स अ वेरी कूल प्लेस. आई डेफिनेटली लव द इंटीरियर्स एंड इसकी जो बीसीबी की सीलिंग है ऊपर वाली, वो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट. आई लव, आई थिंक द म्यूज़िक यहाँ पे जो प्ले होता है वो मुझे तो यहाँ का सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. सो आई लव बीइंग हियर. अच्छा, 2 साल हो चुके हैं, कैसी जर्नी रही आप लोग जैसे यहाँ पे आते रहे हो? अगर कुछ 2 वर्ड में बताना चाहें आप? दो वर्ड में फैबुलसली ऑसम. मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट मैं अभी सिर्फ इतना कहूँगी दैट आई एंजॉय बीइंग हियर, आई लव दिस प्लेस एंड आई ओनली पार्टी हियर. एंड आई थिंक वन मोर डिफरेंट थिंग अबाउट बीसीबी इज डीजे साइरिस, जो लाइव म्यूजिक विद इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जब मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं, फ्यूजन जो होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है. जो एनर्जी फिर यहाँ पे होती है अंदर, अमेजिंग होती है. आई थिंक आपको देखना जरूरी है. किस तरह के गाने पसंद करते हो व्हाइल पार्टी? सी, आई लव बॉलीवुड, आई लव ऑल द म्यूजिक, बट इट्स मतलब मूड पे डिपेंड करता है, बट आई लव बॉलीवुड. सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉलीवुड प्ले होता है और बहुत पंजाबी म्यूजिक प्ले होता है. सो आई लव इट. I think हर तरह का होता है. Yes, Bollywood is the favorite. मेरे मूड से तो बहुत ज़्यादा सब मैच होता है. So I love being here. Okay, New Year is around the corner. किस तरह के प्लान हैं इस साल के New Year के? क्या resolutions बनाए हैं आप अपने घर के बताए? रेजोल्यूशंस एक्चुअली मेरी मैं एक्चुअली रेजोल्यूशंस में बिलीव नहीं करता. आई फील कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आपको आज से करना शुरू करना चाहिए, अगले साल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए. बट फिर भी चलो, जो लोग नहीं कर रहे तो एटलीस्ट नए साल का फ़ायदा उठाते हुए शुरू कीजिए एंड अच्छे अच्छे काम कीजिए. एंड प्लान हम क्या करेंगे, हम पार्टी करेंगे. हाँ, आई डोंट बिलीव इन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस. अदर देन दैट हम शायद बीसीबी में ही होंगे, क्योंकि दिस इज़ द वन प्लेस जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है. और हाँ, पार्टी करेंगे, न्यू ईयर का इंतज़ार करेंगे, बहुत सारे रेजोल्यूशंस आप लोग बनाओगे और थोड़ी देर बाद टूट भी जाते हैं ना, हमें पता है. ओके, नए साल में कोई नया प्रोजेक्ट है आपका अगर शेयर करना चाहें, क्योंकि आप शो तो कर रहे हो, लेकिन आगे कोई कुछ नया साल में होने वाला है आप लोगों के साथ? आई थिंक डेफिनेटली बहुत सारी नई चीज़ें होंगी एंड जैसे जैसे होंगी आपको ज़रूर पता चलेगा. बट हाँ, आई थिंक इस साल थोड़ा डिजिटल की तरफ भी फोकस करने की कोशिश करेंगे. हाँ, आई थिंक अभी फॉर नाउ देयर इज़ वन शो दैट्स डूइंग रियली गुड इज़ राधा कृष्णा. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. अदर देन दैट अभी कुछ महीने आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक हम इवेंट्स में, इंटरव्यूज में मिलते रहेंगे. ओके, लास्टली विश हो जाए न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर गाइस. थैंक यू. 2 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कहना चाहिए जर्नी के बारे में और क्या यूएसपी है सबसे पहले तो ये बताइए और जर्नी के बारे में? सी, वन ऑफ द यू एस पीज इस वक्त मेरे साथ ही खड़े दीपक, टू बी ऑनेस्ट. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बी सी बी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट प्रॉपर्टीज एज एन आर्टिस्ट, एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी. आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ जो इन्होंने हमेशा मेनटेन रखी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स है, एक है हाइजीन, ऑपरेशन, सर्विस, प्लस स्किल्स, यू नो, हर चीज़ में बी सी बी हैज़ बिन अपडेटेड. नाइट लाइफ इवेंट्स, आई थिंक दे आर जस्टिफाइंग एंड डूइंग अमेजिंग फॉर द नाइट लाइफ ऑफ मुंबई. आपसे जानना चाहूँगा, 2 साल पूरे हो चुके हैं, बी सी बी हर साल कुछ नया करता है, अब नए साल में क्या नया होने वाला है? जैसे सर ने कहा कि सब कुछ परफेक्ट. सबसे ज़्यादा मेरी नाइट्स हुई है ये मुझे पता है. आई थिंक सबसे ज़्यादा एज एन आर्टिस्ट अली से ज़्यादा किसी ने परफॉर्म किया. सो यस, वी हैड अ गुड रिलेशन विद हिम.
एंड यस, नए साल में भी हम लोग नई चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि आज आप अंदर आएंगे तो देखेंगे वी स्टार्टिंग विद 3D विजुअल्स एट बॉम्बे कॉकटेल बार, सो वी गोना कंटिन्यू विद दैट एंड दैट्स गोना बी ऑन डे टू डे बेसिस, प्लस और नए नए इवेंट्स क्यूरेट करेंगे अली के साथ में, बाकी भी आर्टिस्ट आते रहेंगे, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। आपको मतलब इसकी जर्नी के बारे में भी जानना चाहूँगा कि किस तरह की जर्नी रही है आज तक दो साल की? काफ़ी अच्छी रही है टू बी ऑनेस्टली, लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन। हाँ, सक्सेसफुल तो है, इसलिए आज सक्सेस पार्टी है। सो अली को पता है कि काफी अप्स एंड डाउन्स रहे, हार्ड वर्किंग गाइस, नो इट्स ऑल देयर लव एंड सपोर्ट, एंड ही इज रियली डन वंडर्स एज वेल, यू नो, इन द लास्ट टू इयर्स इन BCB, यू नो, सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट, आई विश BCB ऑल द बेस्ट, और ये और भी आगे चलता जाए, और भी BCBs ओपन होते जाए, बॉल रूम भी खुल गया अभी ऊपर, यू नो, सो वो भी बहुत अमेजिंग चीज़ है, सो थैंक यू।